जनरल इलेक्शन 2024 कौमी असेंबली का हलका है एन ने 223 बदीन का मुकम्मल सरकार रिजल्ट तमाम उम्मीदवारों के वोटों की तफसील के साथ जहाँ से कामयाब करार पाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी रसूल बख्श चांडियों इन्होंने हासिल किए 115,299 वोट जबकि दूसरे नंबर पे आए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मोहम्मद हस्साम मिर्जा इन्होंने हासिल किया 78,711 वोट जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फतेह मोहम्मद ने हासिल किए 5,829 वोट आजाद उम्मीदवार सरदार कमाल खान चांग ने हासिल किए 5,250 तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद कासिम जाखरों ने हासिल किए 3,754 आजाद उम्मीदवार अजीजुल्ला डेरो ने हासिल किए 2,566 वोट आजाद उम्मीदवार फहमीदा मिर्जा ने हासिल किए 2,471 वोट जमात इस्लामी पाकिस्तान के मोहम्मद मूसा मलहा ने हासिल किए 2,078 वोट पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मोहम्मद अनवर ने हासिल किए 1,451 वोट जुल्फकार अली मिर्जा ने हासिल किए 672 वोट आजाद उम्मीदवार गुलाम कादिर ने हासिल किए 618 वोट मुतहिदा कौमी मूवमेंट के पारस ने हासिल किए 578 वोट आजाद उम्मीदवार गुलजार अहमद ने हासिल किए 543 वोट आजाद उम्मीदवार सज्जाद अली ने हासिल किए 446 वोट आजाद उम्मीदवार असद कमाल खान चांग ने हासिल किए 154 वोट और आजाद उम्मीदवार कामरान ने हासिल किए 119 वोट। इस जनरल इलेक्शन 2024 में बदीन के कौमी असेंबली के हलका एन ए 223 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी रसूल बख्श खान चांडियो रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।